नमस्कार, आप देख रहे हैं सीयू लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवांशु कुमार। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस मुद्दे को देश के सामने रखा था। उसके बाद लोकसभा में भी इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन विपक्ष ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई थी। आपको बता दें कि इसका मतलब, एक देश एक चुनाव का मतलब आखिरकार होता क्या है। एक देश एक चुनाव का मतलब होता है पूरे देश में एक साथ चुनाव होना। अगर हमें ये लगता है एक देश एक चुनाव का जो अवधारणा है वो आज का है, तो हमें बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि भारत का पहला आम चुनाव इसी फॉर्मेट पे लड़ा गया था। और यही नहीं, 1952 के बाद 1962, 1967 और 1968 में भी इसी अवधारणा पे ये चुनाव लड़ा गया था। एक देश एक चुनाव सही क्यों है? मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले 30 सालों में ऐसा कोई भी साल भारत का नहीं गुजरा है जब एक भी इलेक्शन ना हुआ हो। आपको बता दें कि भारत पूरे दुनिया का ऐसा पहला देश है जो अपने चुनाव में सबसे अधिक पैसा खर्च करता है। भारत में सारे राज्यों को मिलाकर 4,120 MLAs हैं, वहीं 545 MPs हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पर MLA को 28 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वहीं एक MP पे 60 से 70 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर हिसाब लगाया जाए तो एक MLA करीब 28 लाख रुपए खर्च करता है ऑफिशियली। ऑफिशियली अगर हम बात करें 4,120 MLAs के हिसाब से 11 बिलियन रुपए खर्च सिर्फ कैंपेन में हो जाते हैं। और वहीं MPs की बात करें तो 545 MPs के हिसाब से अगर 60 और 70 लाख रुपए खर्च करने की बात हो तो 3 बिलियन का खर्चा सिर्फ उनके कैंपेन में खर्च होता है। ये तो हमने बात की सिर्फ कैंडिडेट्स की। अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो सोचिए ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है। हर साल इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा होगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे संवाददाता आदित्य राणा, जो आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पे। जी, मैं खड़ा हूँ मीडिया डिपार्टमेंट में और मेरे साथ यहाँ के सीनियर स्टूडेंट खड़े हैं, जिनसे अभी हम वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि उनकी राय क्या है वन नेशन एंड वन इलेक्शन के बारे में। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम सूर्या है, मैं थर्ड ईयर BGMC का स्टूडेंट हूँ। तो सर, आपको कितना सही लगता है वन नेशन एंड वन इलेक्शन, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके? फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। लाइक हर साल इलेक्शंस होते हैं इंडिया के हर कोने में होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब फंड्स यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ होता है। तो पार्टीज़ मेन जो मुद्दे हैं उस पर काम करने की जगह इलेक्शंस में लग जाते हैं। सो आई थिंक कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट आ जाता है तो एक इलेक्शन होगा पूरे इंडिया के लिए, एंड फिर जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है और फंड्स जो है उसको हम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक द मेन रीज़न कि ये लागू होना चाहिए उसका यही होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आई थिंक कि एक सुप्रीमेसी की जो बात होती है, जो हम वोट देते हैं अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसमें एक लीडर अगर हमारे पास खड़ा हो जो कि हम ही इलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा फायदे वाली बात कोई हो नहीं सकती। और अगर हम उसी के ओपिनियंस पे चल रहे हैं जो कि हमको ठीक लग रहा है, सो दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़। और मान के चलते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे पास 448 आर्टिकल्स है। अगर हम कंपेयर करें ब्रिटेन के हिसाब से तो उनके पास ओरल आर्टिकल है। तो अगर हम एक सुप्रीमेसी के हिसाब चलते हैं कि भैया कौन सा लीडर हम खड़ा करना चाहिए, तो वो हम ही इलेक्ट करते हैं। सो आई थिंक this is a good point of view with respect to this perspective of election. मेरे को लगता है it's like a very illogical solution, because divide करके काम जो अच्छा होता है वो एक पे चला जाए तो I think workload बढ़ जाएगा, काम की efficiency में बहुत effect पड़ेगा। Then if you talk about all of that, it's not just about money saving by having one vote, it's also about how political parties, small political parties, they're going to lose a lot. And there are genuinely really good leaders who are doing great work on a state level. उन लोगों का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो somehow it'll all fade off. So all their work, it won't just pay off. It's like, and also it's like giving all the power to one hand, like a central power. तो it's like giving too much to one person. I think that's not it. हम फेवर में बोलते हैं क्योंकि देखिए देश की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जो कि देखिए डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब एक यूनिटी होता है। जब देश में यूनिटी रहेगी तभी डेवलपमेंट होने का एक अच्छा बेहतर विकल्प हो सकता है। छोटे छोटे चीज़ों पे जब पैसे ऐसे खर्च होने लगेंगे तो कि आर्थिक स्थिति और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी चीज़ को रन कराना होता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं इस वजह से फेवर में हूँ
क्योंकि अगर जो एक बार ही चुनाव होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही बार ही काम करना रहेगा और कि पूरे नेशन की यूनिटी को एक तरह दिखा जाएगा। मैं ये जो डिसीजन अगर लिया जाएगा कि एक देश और एक चुनाव, वन नेशन और वन इलेक्शन, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि पहले बात यह है कि अगर हम एक साथ असेंबली और पार्लियामेंट दोनों का इलेक्शन पूरे देश में करवाते हैं, इससे एक तो फ़ायदा यह है कि खर्चा कम होगा इलेक्शन के लिए, हर साल हर बार और इतने फ्रिक्वेंटली जितने इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें जितना पैसा खर्चा हो रहा है ये खर्चा पहले बच जाएगा। देश का जो टैक्स पेयर का मनी है, जो लोगों का जो पैसा है, वो पैसा डेवलपमेंटल काम में लग सकता है, ना कि इलेक्शन में बार बार हम खर्चा करें। दूसरी बात यह है, अगर हम इसी तरह देखें कि जितनी बार ज़्यादा इलेक्शन होगा, हर इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्चा करता है, हर कैंडिडेट पैसा खर्चा करता है, करप्शन बढ़ता है, लोग बार बार लोगों को उकसाया जाता है कुछ गलत कदम लेने के लिए, बायस्ड होके वोट देने के लिए, और मर्सलेजिंग किया जाता है लोगों को, एक दूसरे के खिलाफ लगाने की कोशिश किया जाता है। मगर आप ये सोचिए, 10 बार इलेक्शन की जगह अगर एक बार इलेक्शन होता है तो ये इस तरह की जो घटनाएं घटती है, इस तरह के जो काम को लोग अंजाम देने की कोशिश करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए मैं सीधा कहूँगा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए जिसमें हर लेवल के लिए आपका इलेक्शन हो जाए, आपके जो प्रतिनिधि है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका इलेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो ये थे फ़कीर मोहन जी, मीडिया स्टडीज़ के HOD, जिन्होंने रखी अपनी राय, जिन्होंने कुछ तर्क दिए जो सही थे, जो दिखाते हैं कि वो उसके कितने समर्थन में हैं। तो ये थी हमारे लोगों की राय वन नेशन वन इलेक्शन पे। आप देख रहे थे CU Live, मैं था आपके साथ शिवांशु कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।